हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं, क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, क्या आपने कोर्स किया हो, कितनी इसमें आपको सैलरी मिलेगी, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किसी जॉब के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और नाम आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए और वहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आप बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको काफी वीडियो इस तरह की देखने के लिए मिली होंगी कि आपने अगर 12th अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप एक ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल मैं गलत मानता हूं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आप या तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या आप ग्रेजुएशन परसुइंग हो आपका चल रहा हो, तभी आप एक अच्छे ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं और वहीं से आपको एक अच्छी कामयाबी जो है मिलेगी, आपको एक अच्छी पोस्ट वहां से मिलेगी, आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो आप या तो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से, आप यहाँ पे BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका परसुइंग होना चाहिए, तभी आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें और ये जॉब तभी करें। क्योंकि आपने अगर 12th से करने लगे तो फिर आप ग्रेजुएशन जो है वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले या तो आप परसुइंग में कर रहे हैं या अपना कर चुके हैं, और इसी के साथ साथ आपको एक कोर्स करना है, जो कि मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जहाँ से आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो सके, जैसे कि आप किस तरीके से मेल वगैरह कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, टाइपिंग वगैरह किस तरीके से करना है, या हमें एक सॉफ्टवेयर होता है MS Office, काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, और उसमें क्या है, आपको काफ़ी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसमें एक्सेल और वर्ड पे आपको अच्छे से काम करना आना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं और अच्छी कंपनी या अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे आप ऑफिस में, अच्छी कंपनी में एक ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। तो ये सब जो है आप में खूबियाँ होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। और अब बात कर लेते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट के किस किस तरीके के काम होते हैं। देखिए दोस्तों, एक ऑफिस में काफ़ी लोग होते हैं जो वर्क करते हैं, उन सब की जो ज़रूरतें होती हैं एक तरीके से, उनको पूरा करना एक ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। जैसे कि किसी को अगर कोई भी इक्विपमेंट्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको स्टोर से इशू कराना है, उन लोगों को वहाँ पर जो भी आपके ऑफिस में आते हैं उनको प्रोवाइड कराना है, या किसी को कोई प्रिंटआउट वगैरह चाहिए, किसी को कोई लेटर वगैरह टाइप कराना है, या आप देख रहे हैं कोई मीटिंग वगैरह अरेंज करानी है सभी की, उसमें आपको मीटिंग रूम जो है, मीटिंग हॉल जो है, उसको रेडी कराना है, जैसे कि उसमें प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, या उसमें TV वगैरह लगे हुए हैं, या जिन फाइलों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो सभी फाइलें वहाँ पे हैं या नहीं है, तो जो भी वहाँ पे ज़रूरतें हैं मीटिंग हॉल में, वो वहाँ पे सब प्रॉपर होना चाहिए, कि ये सब की आपको जानकारी होना चाहिए। ये सब आप काम जो है ऑफिस असिस्टेंट के होते हैं। या कोई आपके ऑफिस में आया है, किसी एम्प्लॉय से कोई मिलना चाहता है, तो उनको बिठाना है, उनको फिर मीटिंग जो है उनसे करानी है, तो इस तरीके के काम जो होते हैं एक ऑफिस में वो एक ऑफिस असिस्टेंट के होते हैं। फाइल वगैरह रेडी करना, कोई टाइपिंग वगैरह लेटर करना, किसी को मेल वगैरह करना, मेल रिसीव होती है तो उसका रिप्लाई करना, ये सब काम जो है ये एक ऑफिस में एक ऑफिस असिस्टेंट के ही होते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब है, एक अच्छी सिटिंग की जॉब है, एक अच्छी जगह पे ये जॉब है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में। अगर आप कहीं पे ज्वाइन करते हैं एज ए ऑफिस असिस्टेंट, तो आपकी सैलरी जो है वो क्या होगी। देखिए दोस्तों, फिर से मैं वही बोलूंगा, सैलरी वगैरह जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके के कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, या किस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन स्किल की, तो ये कितना अच्छा, आप टाइपिंग वगैरह कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितने अच्छे से कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, तो इन सब की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर जितने अच्छे आपके स्किल हैं आप काम कर सकते हैं, उतनी अच्छी आपको इसमें सैलरी मिलेगी, ये सब इस पे डिपेंड होता है। बाकी एक जनरल देखा जाए तो इसमें आपको 15,000 से लेके 20-25,000 तक स्टार्टिंग में सैलरी जो है वो इजीली आपको मिल जाती है। तो एक अच्छी जॉब है, एक ऑफिस की जॉब है, आप इसके लिए देख सकते हैं। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि BA आपने किया है, BCom आपने किया है, तो आप इसमें जा सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि देखा है ग्रेजुएशन करने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट जो है वो
या तो किसी किराना शॉप पे, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं 10-15 हजार रुपए में, तो एक इसमें अच्छा एक आपको लाइन मिल जाएगी, आप आगे इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। एक बार ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर 2 ईयर का, आप आगे इसमें बढ़ेंगे, सैलरी आपकी बढ़ेगी, अच्छी कंपनियों में आपको जॉब मिलेगी और एक अच्छी सिटिंग की जॉब मिलेगी, सबसे अच्छी बात यह है। तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। आपने अपना अगर ग्रेजुएशन कर लिया है, ये कोर्स है 3 मंथ 6 मंथ का, काफी इंस्टीट्यूट ये कोर्स कराते हैं, वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और उसके बाद आप ये जॉब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।